जसपुर दौरे पर पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आरएस विश्वकर्मा ने कलेक्ट्रेट जसपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर पिछड़ा वर्ग आयोग की भागीदारी का आकलन किया। इसके बाद पत्रकारों के साथ चर्चा के दौरान आरएस विश्वकर्मा ने बताया कि पिछड़ा वर्ग समाज में लगभग 90 जातियां हैं, जिसका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन कर सरकार को रिपोर्ट देगी, जिससे सरकार समाज हित में अच्छा निर्णय ले सके। इस दौरान उन्होंने बताया कि हम सभी जिलों का अपने साथी सदस्यों के साथ दौरा कर रहे हैं और अभी वर्तमान में होने वाले नागरिक निकाय और पंचायत चुनाव में जनसंख्या के आधार पर समाज की भागीदारी निर्धारित करने अनुशंसा की जाएगी। इस दौरान हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार 50% आरक्षण में रहकर समाज की भागीदारी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करनी है और अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। शासन ने इस आयोग को इसलिए बनाया है कि वह पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन कर सके और शासन को उचित यथोचित सलाह दे सके। इस संबंध में नगरीय निकाय और नगर पंचायतों में भी आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग की क्या हिस्सेदारी होना चाहिए, इसके बारे में भी आयोग अध्ययन कर रहा है और उसके आंकड़े जुटा रहा है। उनके प्राप्त होने पर आयोग अपनी यथोचित अनुशंसाएँ देगा। सर, जसपुर 5वीं अनुसूचित जिला है और पंचायतों में सर सरपंच का आदिवासियों के रिजर्व है, ऐसे में सर जहाँ ओबीसी समाज के लोग, उनके लिए क्या भागीदारी? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि जो जिसका प्रतिनिधित्व जिस क्षेत्र में ज़्यादा है उसको उसके पावर में अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उसमें दो राइडर हैं कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए और दूसरा एससी और एसटी का आरक्षण कम नहीं होना चाहिए। शासन ने